नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की टिक्की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सोयाबीन। सोयाबीन को मैंने रात भर भिगो दिया था। बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, आमचूर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। सोयाबीन जो है हमारा अच्छे से फूल चुका है, इसको मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से पीसा जाए। हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं सोयाबीन जो अच्छे से पीस चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बड़े बर्तन में। इसी तरह से मैं सारे जो पेस्ट है बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया, आमचूर। इसका मैं एक स्मूथ डो तैयार करना है। अगर आपको लगे कि आपका जो डो है वो थोड़ा पतला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर लेती हूँ और इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लेती हूँ। आटा हो चुका है हमारा तैयार। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया है जिसमें मैं डाल रही हूँ घी। आप घी या तेल जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। इस तरह से पैन को मैं चारों तरफ घुमा देती हूँ ताकि जो घी है वो सारे पैन में अच्छे से आ जाए और जो सोयाबीन का जो ये पेस्ट है इसका मैं इस तरह से टिक्की बना लेती हूँ और इस तरह से पैन पे रख देती हूँ। ध्यान से रखना है, नहीं तो घी चटक के हाथ पे आ सकता है। अगर आपको लगे कि आपके हाथ पे टिक्की चिपक रही है तो आप हल्का सा पानी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना के रख लेती हूँ। गैस की फ्लेम मीडियम है, ज़्यादा हाई ना रखें, नहीं टिक्की जो है वो जल जाएगी और अच्छे से सिकेगी भी नहीं। बीच बीच में पैन को थोड़ा हिला देती हूँ ताकि घी चारों तरफ फैल जाए। पलटे की सहायता से मैं इसको इस तरह से पलट देती हूँ। इसी तरह मैं सारी टिक्की जो वो पलट देती हूँ। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0% होती है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होते हैं। सोयाबीन हमें ज़रूर खानी चाहिए। इधर हमारी जो टिक्की है वो भी अच्छे से सिक चुकी है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ में खा सकते हैं, दही के साथ में खा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।